उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धन परिवर्तन के खिलाफ कानून लागू हो चुका है। 28 नवंबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इससे जुड़े अध्यादेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दे दी। कानून लागू होते ही इसके तहत बरेली जिले में पहला मामला भी दर्ज कर लिया गया। आरोप है कि 22 साल का एक लड़का दूसरे धर्म की 20 वर्षीय लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था और परिवार को धमकी दे रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी उबैस अहमद बरेली का रहने वाला है और फिलहाल घर से फरार है। उसके खिलाफ नए कानून की धारा के अलावा आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने कहा कि ये कानून अभी तक डेटाबेस में नहीं था, लेकिन अब इसे डेटाबेस में जोड़ा गया है। कथित लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है कानून। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनावों की रैलियों में जबरन धन परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाने की बात कही थी। 24 नवंबर को यूपी कैबिनेट ने अध्यादेश पास किया। जब विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो तब अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है, लेकिन 6 महीने में से दोनों सदनों से पास कराना होता है। इस कानून में कथित लव जिहाद टर्म का जिक्र नहीं है, लेकिन इस टर्म की चर्चा के बीच ये कानून आया है। इससे पहले हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी कानून लाने की बात हो चुकी है। अब जानते हैं इस कानून में क्या है। उत्तर प्रदेश के नए कानून के तहत झूठ, जबरन प्रभाव दिखाकर, धमकाकर, लालच देकर, शादी के नाम पर या धोखे से किया गया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा। धर्म परिवर्तन करने या कराने के मामलों में अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन नहीं किया गया तो उसका सबूत देने की जिम्मेदारी आरोपी शख्स की होगी। अगर कोई केवल शादी के लिए लड़की का धर्म परिवर्तन करता है या कराता है तो उस शादी को शून्य माना जाएगा, मतलब ऐसी शादी कानून की नजर में अवैध होगी। कानून के मुताबिक इसका उल्लंघन करने पर कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है, साथ ही 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी है। नाबालिग या SC/ST महिला का धर्म परिवर्तन कराने पर 2 से 10 साल तक की जेल और 25,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, YouTube की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।